15 साल हो गए भाजपा गवर्नमेंट रही से ओहा ओडिया भाखा लागू करी से ओकर बाद हमन छत्तीसगढ़िया जान के भूपेश ल मुख्यमंत्री बनायन ओहा राष्ट्रवाद के नाम में मन गुजराती भाखा लागू करे थे यहाँ छत्तीसगढ़िया भाखा पढ़ाई नहीं जाती स्कूल मन में तो ये ला छत्तीसगढ़िया क्रांति सेना बर्दाश्त नहीं कर सके और इसने आंदोलन करके गुजराती भाखा में पढ़ाई लिखाई नहीं हुआ अंदर पहले काम में काम को सोचते हैं कि एक काला कानून हरे जिन हम ऊपर छुपे जाते हमन हर भाषा के हर संस्कृति के सम्मान करते हैं लेकिन मतलब ये नहीं कि हम कुछ भी पर लागे होती ही और एक पहचान होते एक राज्य के पहचान होते और बोली और भाषा पर संस्कृति है तो बोला यह नंदावत है और हमारा जबरन के बाहर के बोली भाखा हम ऊपर छुपा थे तो ये कुछ दिन में तो ऐसे हो जाए कि छत्तीसगढ़ एक राज्य रही सब है जिन अब विलुप्त हो चुके हैं तो ये सरकार है पूरा पूरा कोशिश करते छत्तीसगढ़िया मतलब मिटाए के और ये हमारे बर्दाश्त नहीं करन हमारे अंतिम सांस तक के लड़बो और जब तक के ला बोली भाखा में शामिल नहीं करी तब तक हम इसने आंदोलन इसने उग्र प्रदर्शन करबो। हाँ अगर ये मन कहा थे कि स्वराष्ट्र के भाषा देते कि गुजरात में स्वराष्ट्र भाषा रहे तो लागू करबो करके तो मैं ये बोलता हूँ कि जितना भी यहाँ पे जो भी अपन जिला बने जो भी राज्य बने हैं ओकर भाखा जो वहाँ पे अपन सम्मान देव गुजरात में कहा छत्तीसगढ़ी पढ़ाई करी अगर गुजरात में छत्तीसगढ़ी पढ़ाई ला वहाँ के मातृभाषा में बनाई बोली भाषा में बताई तो हम बिल्कुल एक समर्थन करबो ओकरो स्वागत है गुजराती भाषा के अगर एवं छत्तीसगढ़ी भाषा लगा वहाँ के अपन पढ़ाई लिखे के माध्यम में डाला था मोर जम्मो छत्तीसगढ़ प्रदेश के युवा भाई मल्ला नौजवान मल्ला बधाई देवत हूँ एक खातिर कि आज राजभाषा दिवस है लेकिन निंदा भी कराता हूँ कि आज छत्तीसगढ़ में गुजराती के पढ़ाई ये सरकार वर्तमान सरकार चालू करवाते हैं काबर आज हमर लेकर छत्तीसगढ़ी भाषा पढ़ी गुजराती भाषा नहीं पढ़े मैं सम्मान करता भाषा के लेकिन वो अपन राज्य में पढ़ाए हमर छत्तीसगढ़ में वो भाषा ला यहाँ मत लाए काबर आज देखो छत्तीसगढ़ में संस्कृति मल्ला छत्तीसगढ़ में संस्कृति मल्ला लुप्त करा जाते सरकार मन पिछले जो सरकार से 15 साल जो राज करी से आज ओडिया भाषा ला यहाँ पढ़ाए की कोशिश करी तो लादिस ओकर वर्तमान सरकार यहाँ कांग्रेस के जो बैठे है आज गुजराती भाषा ला यहाँ पढ़ावत है तो मोर छत्तीसगढ़ी भाषा जो 21 बरस हो गए छत्तीसगढ़ बने तो वो भाषा ला कब पढ़ाए और न जाने हमारे पुरखा मन और पहले से राजभाषा दे पर लड़े रही से आंदोलन करे रही से लेकिन आज भी छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़ी भाषा के पढ़े नहीं हुआ थे तो मोर छत्तीसगढ़ प्रदेश के युवा भाई मन पढ़े लिखे नौजवान मना छत्तीसगढ़ी भाषा नहीं पढ़े और एकर विरोध करते छत्तीसगढ़िया क्रांति सेना का